योर हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है। किडनी फेल होने के संकेत के बारे में जानेंगे। आज हम आपको 7 ऐसे लक्षण बताएंगे जो कि ये बताते हैं कि आपकी किडनी फेल हो रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके गुर्दे की बीमारी है या नहीं है, यह जानने के लिए एकमात्र तरीका है। आज हम आपको 7 ऐसे संभावित संकेत बताएंगे जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी खराब हो रही है। गुर्दे की बीमारी यानी किडनी डिसीज के कई शारीरिक लक्षण होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग उन्हें अन्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा गुर्दे की बीमारी वाले लोग कई चरणों के बाद लक्षणों का अनुभव करते हैं। जब गुर्दे खराब होने लगते हैं या मूत्र में बड़ी मात्रा में प्रोटीन बनने लगता है, तो यह क्रॉनिक किडनी रोग का कारण महज कुछ ही लोगों को पता चल पाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको गुर्दे की बीमारी है या नहीं है, यह जानने का एकमात्र तरीका है। आज हम आपको 7 ऐसे ही संकेत बताएंगे जो किडनी रोग की ओर इशारा करते हैं। यदि आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, किडनी की विफलता का पारिवारिक इतिहास रहा है या 60 वर्ष से अधिक आयु के कारण गुर्दे की बीमारी का खतरा है, तो किडनी बीमारी को जानने के लिए हर साल परीक्षण कराना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं 7 ऐसे ही संकेत। पहला है थकान। गुर्दे के कार्य में कमी से रक्त में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों का निर्माण हो सकता है या लोगों को थका हुआ, कमजोर महसूस करने का कारण बन सकता है। इससे ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। गुर्दे की बीमारी की एक और जटिलता एनीमिया है जो कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है। दूसरा है नींद की समस्या। जब गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं होते तो टॉक्सिन्स मूत्र के माध्यम से शरीर को छोड़ने के बजाय रक्त में रह जाते हैं। इससे नींद आना मुश्किल हो सकता है। मोटापा और क्रोनिक किडनी रोग के बीच एक कड़ी है। अगला है तीसरा, शुष्क त्वचा और खुजली। स्वस्थ गुर्दे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे आपके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और आपके रक्त में खनिजों की सही मात्रा को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। शुष्क और खुजली वाली त्वचा हड्डी की बीमारी का संकेत हो सकती है जो अक्सर गुर्दे की बीमारी के साथ होती है। चौथा है अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना। यदि आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है, खासकर रात में, तो एक गुर्दे की बीमारी का संकेत हो सकता है। जब गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त होने हो जाते हैं तो यह पेशाब करने की इच्छा में वृद्धि का कारण बन सकता है। कभी कभी यह पुरुषों में एक मूत्र संक्रमण या बढ़े हुए प्रोस्टेट का संकेत भी हो सकता है। पांचवा है मूत्र में रक्त। स्वस्थ गुर्दे आमतौर पर रक्त को छानते हैं तो रक्त कोशिकाओं को शरीर में ही रखते हैं, लेकिन जब गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये रक्त कोशिकाएं मूत्र में रिसाव करना शुरू कर देती हैं। गुर्दे की बीमारी के संकेत देने के अलावा मूत्र में रक्त ट्यूमर, गुर्दे की पथरी या संक्रमण का संकेत भी हो सकता है। छठा है मूत्र झागदार होना। मूत्र में अत्यधिक बुलबुले, विशेष रूप से जब आप दूर खड़े होकर पेशाब करते हैं तो कई बार फ्लश करने की आवश्यकता होती है। यह मूत्र में प्रोटीन को इंगित करते हैं। यह झाग आपको दिखने वाले झाग की तरह लग सकता है, जैसे कि आप अंडे को फोड़ते हैं। अगला है सातवां, एड़ियों और पैरों में सूजन। गुर्दे की कमी के कारण सोडियम रिटेंशन हो सकता है, जिससे आपके पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है। निचले छोरों में सूजन दिल की बीमारी, यकृत की बीमारी, पुरानी पैर की नसों की समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। तो ये 7 ऐसे लक्षण हैं जो कि बताते हैं कि किडनी की बीमारी यानी गुर्दे की बीमारी हो रही है। तो आप जल्द से जल्द उसकी जांच करवाएं और उसका इलाज करवाएं। तो हमें उम्मीद है कि आज की हेल्थ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की हेल्थ जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।